हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजाबाद एजुकेशन अकेडमी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए कंपाउंड बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर पी प्लस वन अप वन प्लस आर बटे सौ पावर ए। यह होता है कंपाउंड फॉर्मूला। अब यहीं से केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो या सी आई निकालनी हो तो क्या करना है, जो अमाउंट है उसमें से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। और अगर यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगा दोगे तो पी क्वेश्चन वन प्लस आर बट्टे सौ पावर टी माइनस पी करोगे, पी कॉमन ले लोगे तो वन प्लस आर बट्टे सौ पावर टी और ये तुमने पी बाहर ले लिया है तो यह माइनस वन बचेगा आपका। ये आपका फॉर्मूला आएगा सी आई का। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपली हम अपने बेसिक मेथड से इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चन इजीली निकल आएंगे। तो देखिए आपको कुछ जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको कुछ रेशियो याद रखना है, जैसे कि दो साल का दो एक, तीन साल का तीन एक, या का तीन तीन एक, चार साल का चार छः चार एक, और पाँच साल का आपका आएगा पाँच दस दस पाँच और एक। बेसिकली आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंपली दो साल या तीन साल का पूछेगा, लेकिन हमें पाँच साल तक का देखना है कि किस थी और पूछ सकता है। अगर ज़्यादा पूछ सकता है तो तीन साल या चार साल तक जाता है, लेकिन हम पाँच साल तक करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पहला क्वेश्चन कहता है तो ये क्या है ये बाद में समझेंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं करना कैसे है। जैसे मान लिया प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है हज़ार रुपये, दर दिया आपको 10% और टाइम दिया दो साल, तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ। तो करना क्या है सिंपली, सबसे पहले हज़ार का तुम 10% निकालोगे तो कितना आएगा, इसका 100 आएगा, और इसका 10% निकालोगे कितना आएगा 10 आएगा। क्या क्या होगा दोबारा देखो, हमने 1000 जो प्रिंसिपल था उसका 10% निकाला और फिर जो ब्याज है उसका 10% निकाला कितना है 10। तो अगर इसमें करना क्या है कि आपको पता है दो साल का बात कर रहा है तो दो एक इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, दो का पहली संख्या में और दूसरी संख्या में एक का, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका 200 और ये कितना आएगा आपका 10, तो जोड़ जोड़ कितना आएगा 210। कह सकते हैं ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अगर यहीं अमाउंट पूछता तो अमाउंट क्या करना था, सिंपली प्रिंसिपल में जोड़ना था तो 1000 प्लस 210 जोड़ लोगे तो 1210 ये आपका आंसर है। आगे आपको समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि आपका जो प्रिंसिपल दे रहा है 2000 रुपये, ठीक है 20 साल मान लो, दर आपको दे रहा है मान लिया कि 5%, टाइम दो साल है, अभी सिंपली दो साल करती है करते हैं, और कंपाउंड पूछ रहा है तो करना क्या है। सबसे पहले 20000 का 5% निकालोगे, अब 5% निकालना है तो बताया कि 5% परसेंट के बट्टे में जीरो आएगी तो दो जीरो कट जाएगी, सिंपली 5 का गुणा करोगे कितना आएगा 1000, और इसका ही 5% निकालोगे तो कितना आएगा 50 रुपये, क्योंकि अब जब 5% निकालोगे दो जीरो कट जाएगी, 10 में 5 का गुणा करना कितना है 50। अब तो बताया था मैंने कि दो साल की बात कर रहा है तो इसे 2 से और इसे 1 से गुणा करना है, तो गुणा करोगे कितना आएगा 2000 और इससे गुणा करोगे कितना आएगा 50, तो जोड़ दोगे कितना आएगा 2050। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर यही आपसे पूछता कि अमाउंट कितना होगा तो सिंपली प्रिंसिपल में जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22050 रुपये, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। आइए आप लोग समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आप लोग दिख रहा होगा, देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10000 रुपये प्रिंसिपल है, दर आपको 10% दी हुई है, टाइम इस बार 3 साल दिया हुआ है। अभी हम आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं फिर हम हार्ड क्वेश्चन थोड़े करेंगे। देखिए अब क्या करना, 3 साल याद कर रहा है तो पहले इसका 10% निकालो कितना आएगा 1000, प्रिंसिपल 10% 1000, इसका 10% निकालोगे 100, इसका भी निकालोगे 10। अब करना क्या है सिंपली आप देखो 3 3 और 1 से गुणा करना है, क्योंकि आपको पता है अब यहाँ से ध्यान से देखोगे 3 3 1 से गुणा करना था, ठीक है ये आपका 2 साल का था 3 साल का था,
और 2 साल में दो इंकवा करना था, 3 साल में 3 3 1 का, 4 साल की बात करता था 4 6 4 1, ये आप पूरे से गुणा कर को याद कर रखना पड़ेगा, जिससे कि आप किसी संख्या को इजीली कंपाउंड निकाल सको। तो आप यहाँ पे 3 3 1 का गुणा करोगे तो यहाँ कितना आएगा 3000, यहाँ कितना आएगा 300, यहाँ कितना आएगा 10, अगर जोड़ दोगे 3310, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है। अगर यही अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था साधारण ब्याज में, कि अगर इसका साधारण ब्याज पूछता तो पता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकालोगे तो 10% जैसे 10% जैसे 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा 30%, तो 10,000 का 30% निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, पता है कि 2 0 2 कट जाएंगे, सिंपल कितना आ जाएगा आपका 3000, ये आपका आंसर है। अगर समझ आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ₹20,000 पर 5% की दर से टाइम 3 साल है कितना ब्याज होगा आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों चीज आपसे पूछी जाए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो कंपाउंड निकालना है तो इसका 5% निकालोगे कितना आएगा 1000, इसका फिर 5% निकालोगे कितना आएगा 50, और फिर इसका 5% निकालोगे कितना आएगा 2.5, ठीक है। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, 20,000 का 5% निकाला है 1000 आ गया तुम्हारा, और आप इसका 1000 का 5% निकालोगे दूसरी कट जाएगी 50 आ जाएगा, और 50 का 5% निकालोगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगी 25 अंक का पॉइंट आ जाएगा। तो गुणा करना था 3 3 और 1 से, यहाँ निकालोगे तो 3000, यहाँ करोगे तो आपका 150, यहाँ करोगे 2.5, अब ऐड करोगे तो 3152.5, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो 3 साल में 5% से कितना मिलेगा आपको 15%, ठीक है। ये आपको मैं पिछले वीडियो में सिखा चुका था, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाकर देख सकते हो। तो सिर्फ 20,000 का सिंपल निकालना है तो सिंपल 20,000 का 15% आपको निकालना है, तो दो कट जाएगी 15 × 30 कितना आएगा आपका 3000, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। आइए आप लोगों को समझ में आया होगा, आइए बताते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है जैसे कि अगर आपका हो प्रिंसिपल दिया हुआ है 6400, दर दी है 12.5% और टाइम हो आपका 2 साल, अब आपको निकालना होगा तो 12.5% कितना होता है 1/8, तो पहले प्रिंसिपल का 1/8 निकालो कितना आएगा 800, और दोबारा फिर इसका 8% निकालो कितना आएगा 1/8% 100, तो आपको इससे 200 गुणा करना था, इसे 1 से इसे गुणा करोगे 1600, इसे करोगे 100 तो कितना आएगा आपका 1700, ये आपका आंसर है। आगे समझ आया होगा, अगर यहीं पे जैसे बोल दिए ये यहाँ लिख रहा हूँ दिख रहा है यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ कि आपका 343,000 ये प्रिंसिपल है, दर दे रहा है 14.2/7%, टाइम दे रहा है 3 साल, आपको उससे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो करना क्या था सिंपली बता दूंगा 14.2/7% पैसे क्या होते हैं 1/7, अब इसका 1/7 निकालोगे कितना आएगा 49, फिर इसका 1/7 निकालोगे कितना आएगा 700, और फिर निकालोगे कितना आएगा 100, क्योंकि 3 साल दिया है 3 बार करना था, और गुणा करना था आपको 3 3 और 1 से, गुणा करोगे 00 आएगी 9 × 27 = 2 × 4 = 12 = 14, यहाँ गुणा करोगे 7 × 21 = 2100, और यहाँ गुणा करोगे कितना आएगा 100, और जोड़ोगे तो 9 6 1 16,900 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको प्राप्त होगा। आइए आप लोग समझ आया होगा, ये आपका बेसिक मेथड था जो आपने मैंने आपको समझाया, केवल आपको याद क्या रखना था, ये केवल आपको रेशियो याद रखना था कि आपको किस तरीके से करना है। आइए अब हम अगले टाइप पे बढ़ते हैं कि अगला और टाइप कैसे प्राप्त हो सकता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था सिंपल इंटरेस्ट में, अगर आपको दर
ऐसे मान लीजिए दर दर आपको 5% दी है, टाइम आपको 3 साल दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट में सिखाया था मैंने कि जो ऐसा ही परसेंटेज निकलता था तो टाइम का और दर का गुणा कर देते थे तो कह देते कि 15% मिलेगा, क्योंकि एक साल में 5% मतलब ये है कि 100 रुपये पर एक साल में 5 रुपये मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 15 रुपये मिलेगा, तो कितने पर 100 रुपये पर, और 100 रुपये मिलने वाली ब्याज क्या होती है, परसेंटेज होती है या दर होती है, तो एक मतलब 15% आपको ब्याज मिलेगा। ये आपको हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था। आज सीखना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि हमने मान लिया अगर आपका पैसा 1000 रुपये है, 10% की दर से एक साल में कितना हो जाएगा, इसका ब्याज मिलेगा 10% कितना 100 ब्याज मिलेगा, इसमें जोड़ जोड़ कितना आएगा 1100। अब अगले साल एक साल 10% से कितना ब्याज मिलेगा 110, 110 ब्याज मिलेगा, इसमें जोड़ दोगे तो कितना होगा 1210। अब अगले जब फिर एक साल और जाओगे 10% से कितना मिलेगा 1331। अभी आप लोग दिख रहा होगा, देखो अब यहाँ से तुम देखोगे कि यहाँ से अब तुम देखा तुमने कि यहाँ 1000 से 1100 हो गया, तो यहाँ से जो गैप हुआ है एक साल में, तो एक साल का रेशो तुम निकालोगे, 1000 से 1110 हो गया तो रेशो निकालो कितना आ गया 10 से 11 हुआ है, यहाँ का रेशो निकालोगे 1100 से 1210 पे निकालोगे, इसी कड़े 0 11 से काटोगे 10 बार, 11 से काटोगे 11 बार, यहाँ से रेशो निकालोगे 1210 और 1331, 0 कटेगी 21 से काटोगे 10 बार, 21 से काटोगे 11 बार। और आप ध्यान से देखो तो देख रहे हो कि अगर टाइम एक एक साल था, अगर टाइम सेम है तो आपके प्रिंसिपल का रेशियो अमाउंट का रेशियो था वो समान रेशियो से बढ़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 साल का निकाले तो 2 साल में 1000 से 1210 हो गया, तो 2 साल का रेशियो निकालोगे तो 1000 से कितना हो गया आपका 2110 हो गया, 0 0 काट दोगे 10 से कितना हो गया 121 हो गया। और अगर आप 3 साल का निकालोगे 1000 से 1331 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर एक साल थी 10 से 11 हुआ था, जैसे 2 साल हुई पावर 2 हो गई, 10 का 100 11 का 131, और जैसे 3 साल हुई तो क्यू हो गया। सिंपल समझना है तो कि अगर आपका कहीं एक साल में कोई धन एक्स से बाई एक साल में हो रहा है, पावर एक है, तो अगर 2 साल होंगे तो पावर सिंपली 2 हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर से कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर। अगर टाइम 3 साल हो तो पावर आपकी 3 हो जाएगी, अगर पावर 4 साल हो तो पावर 4 साल हो जाएंगी आपकी। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन बढ़ करते हैं। इसमें इन्हीं जो क्वेश्चन किए थे उसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन था 1000 रुपये, प्रिंसिपल था दर आपकी 10% है और टाइम 2 साल था, तो 10% क्या होता है 1/10, 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रहा है तुम्हें, ये प्रिंसिपल है, तो निकालोगे 10 से 11 हुआ है एक साल में, तो अगले साल 10 से 11 होगा, तो देखा था 10 से 11 हुआ था, 10 से 11 हुआ था, यहाँ से कैलकुलेट की थी तो 100 से 120 गुणा हो गया था, वो तो स्क्वायर हो गया था, तो यहाँ भी जो स्क्वायर गुणा कर दोगे तो 100 से 121 हो जाएगा, कितना ब्याज मिला 21। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है और ये आपकी चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये आपका जब गुणा किया आपने कोई धन 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ तो गुणा करोगे, ये एक साल में था ये भी एक साल में है, कोई धन 10 से 11 हुआ फिर दूसरा 10 से 11 हुआ, गुणा कर दोगे, 2 साल का निकालना है तो 100 से 21 हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल है 100 रुपये, 121 अमाउंट है तो 21 रुपये आपकी ब्याज होगी। आप देखोगे कि आप 1000 रुपये दिया है प्रिंसिपल दिया है, जो 1000 है वो वैल्यू किसकी है 10 की है, और आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट 21 की वैल्यू, 21 से गुणा कर दोगे तो यहाँ से काट दोगे 2 जो कट जाएंगे, 10 का गुणा इसमें कर दोगे कितना आएगा 200। अगर आप यहीं पे अमाउंट पूछता तो 1000 वैल्यू थी 100 की थी, निकालना था 121 की वैल्यू, 2 जो कट जाएंगे आपकी, गुणा करो 10 का इसमें तो कितना आएगा आपका 1210, ये आपका आंसर है। देखिए इस तरीके से करना था आपको,
अब और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, जिसे आप और जल्दी कर सको। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रहा है, प्रिंसिपल 6400 है, दर आपकी 12.5% है, ये पीछे कहा चुका था आपको, और टाइम आपको दे रहा है 2 साल, कंपाउंड हिसाब से पूछा है, तो करना क्या था? 12.5% मतलब 1/8 टैक्सिंग होती है आपकी, कोई धन 8 से 9 होगा, एक रिजल्ट भी 800 होगा, गुणा कर दोगे 64 से 81 हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ आया होगा। अब देखोगे यहाँ से यहाँ तक कितनी ब्याज मिली है आपको, देखिए घटाओगे तो कितनी मिल सकती है, 64 प्रिंसिपल है, 21 हो गया, 81 हो गया, और 17 ब्याज मिल जाती है। 64 की वैल्यू आपको दी है 6400। अगर आपको सी आई निकालनी है तो गुणा कर दोगे सी आई से 17 से, दूजी बची 17 गुणा कर दो कितना आएगा 1700। अगर यहीं पे अमाउंट पूछता तो आपको 6400 था, 64 की वैल्यू थी, 81 की निकालनी थी, 6400 कट जाएगा, गुणा कर दोगे कितना आएगा आपका 2100, ये आपका अमाउंट है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, पहले आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज बाय।